दरअसल आपको बता दें, शिवसेना उद्धव गुट की शाखा तोड़े जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। एकनाथ शिंदे के गढ़ मुंब्रा पहुंचकर उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद सबको सबक सिखाया जाएगा, हमारे शाखा को तोड़ दिया गया, हमारे पोस्टर फाड़ दिए गए, सबका हिसाब होगा। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मुंब्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा। शाखा तोड़े जाने को लेकर उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे सभी लोगों को एक दिन सबक सिखाया जाएगा। जो लोग सत्ता के शिखर पर बैठे हैं, उन्होंने शाखा को तोड़ दिया, मैं आपको यहाँ असली बुलडोजर दिखाने आया हूँ। चुनाव के बाद सबकी मस्ती खत्म करूंगा, शिवसेना उद्धव गुट के मुखिया ने कहा कि हिम्मत है तो पुलिस को किनारे करो और आओ मुझसे लड़ो, मेरी सरकार आएगी तब तुम्हें बताऊंगा, तुम सभी के पेपर मेरे पास हैं, इन सबकी डिपॉजिट जब्त करवाऊंगा और तुम्हें घर भेजूंगा, मैं लड़ने के लिए मैदान में हूँ, कितने लोग मेरे साथ हैं ये आपको दिखाना है, हमारे पोस्टर फाड़ दिए गए हैं, हम चुनाव में तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर देंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ तोड़ दी गई शाखा को देखने मुंब्रा पहुंचे थे, लेकिन शिंदे गुट के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में शिंदे गुट के शिवसैनिकों ने काले झंडे दिखाए। हालात बिगड़ने के बाद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता वहां से चले गए। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्तासीन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। ठाकरे ने कहा कि इसी सरकार ने मराठा आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज करवाया है, आज पुलिस ने गुंडों को संरक्षण दिया है, महाराष्ट्र में दिवाली है इसलिए हमने संयम रखा है, लेकिन आगे हम संयम नहीं दिखाएंगे, मैं पुलिस से कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके पीछे चोर और गद्दार हैं, आज सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने शाखा तोड़ी है, कल लोगों के घर तोड़ेंगे, चुनाव आने पर हम इन्हें उखाड़ फेंकेंगे।